हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो ये आ गया है आप सभी लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत रिक्वेस्ट किया आप सभी लोगों ने और बहुत वेट किया, तो मैंने सोचा फाइनली मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियो लेकर आ ही जाती हूँ। जी हाँ, आल्ता डिज़ाइन वाला वीडियो है और इसको आप लगा सकते हैं। जो भी न्यू बिगिनर्स हैं वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जितना भी हो बहुत इजी डिज़ाइन बताने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है पिंक आलता, जो कि मैं हर बार यूज़ करती हूँ। रेड भी मैंने यूज़ किया है, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट यही आती है और आप सभी लोगों को पिंक ही ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए मैंने पिंक आलता यूज़ किया है। तो आलता मैंने सिंपली पैरों के चारों तरफ लगा दिया है और उंगलियों पर भी मैं इस तरीके से लगा लूँगी। और बस उसके बाद फिर मैं एक बहुत सिंपल सी डिज़ाइन आपको बता रही हूँ, जो आप आराम से लगा सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और बस इस तरीके से हमें पैरों पे डिज़ाइन कर देनी है चारों तरफ। बिल्कुल हल्के हाथों से डिज़ाइन करोगे तो आपका आलता कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ, थोड़ा सा लाइट हो गया था ना गाइस। और अगर आपको आलता डिज़ाइन परचेज़ करना है तो आप अमेज़ॉन पे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है आलता, जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो वाला कलर। और बस इस तरीके से मैं अंदर भी एक छोटी सी डिज़ाइन इस तरीके से बना दूंगी, कुछ नहीं, एक बड़ा सा डॉट आप समझ लो, है ना, बस उसी टाइप का मैंने बनाया है ताकि और भी ब्यूटीफुल लगे हमारी डिज़ाइन दिखने में। और हाँ गाइस, आलता हमारी यूपी में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट हम लोग, लड़की होती ना, जब वो अपने मायके से ससुराल जाती है तो आलता बगैर नहीं जाने देते उसको, आलता ज़रूर लगाते हैं गाइस। ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले आलता वीडियो में बताती रहूँगी। और कहते हैं यूपी, एमपी और बंगाल में आलता बहुत फेमस है, तो ऐसा नहीं है, आप भी लगा सकते हो। कोई भी छोटी मोटी पूजा है या कोई फेस्टिवल है या कोई स्पेशल ओकेज़न है तब आप लगाइए, करवा चौथ पर लगाइए, नवरात्रि पर लगाइए। मैं तो सच बताऊँ ना, तो जब मेरा मन होता है तभी मैं लगा लेती हूँ जी हाँ, क्योंकि मुझे आलता बहुत पसंद है। तो बस इसी तरीके से मैं दूसरे पैर में भी आलता लगा लूँगी। आप एंजॉय कीजिए वीडियो। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की हर रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ ना। प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आपकी और कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो वो भी मैं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप सभी लोग, और आप सभी लोगों की कोशिश से ही, आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट है तभी मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। इसी तरीके से मैंने दूसरे पैर पर भी डिज़ाइन बना ली है, देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ। बहुत इजी डिज़ाइन है गाइस, आप आराम से बना सकते हैं। और आप देख सकते होंगे मैंने ना दूसरे पैर में, यानी कि मैंने अपने दोनों पैरों में, अपने फिंगर्स में जो बिछिया पहने हुए ना, दोनों ही अलग बिछिया हैं। जी हाँ, दोनों ही फिंगर्स में अलग अलग डिफरेंट बिछिया मैंने पहने हुए हैं, क्योंकि मैंने सुना है, मेरी सासू माँ कहती हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है कि कांसा बहुत शुभ होता है सुहागन स्त्रियों के लिए, कांसा अमर माना जाता है सुहागन स्त्रियों के लिए। तो जो नेक्स्ट आपको बिछिया दिख रहा है ना दूसरा, वो कांसे का है, पहला बिछिया है वो सिल्वर का है। तो अगर आपके पास कांसे का बिछिया हो तो आप ज़रूर पहनिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। और पुराने ज़माने में ना लोग सच्ची में कांसे का बिछिया मस्ट था, लोग पहनती थी, जो सुहागन स्त्रियाँ थी, मैरिड वुमन और गर्ल, वो पहनती ही थी। तो मैं आपको हर आलता डिज़ाइन में इस तरीके से बातें बताती रहती हूँ ताकि आपको भी कुछ बातें पता चले।
तो बस ये देखिए, मैंने दोनों पैरों में आलता लगा लिया है। बातें करते करते कुछ पता नहीं चला, दोनों पैरों में आलता लगा कर रेडी कर लिए हैं। तो आप देखिए कैसा है मेरा लुकिंग। अगर आपको ये आलता लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कीजिए। और आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है। और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज़।